हाय दोस्तों, आई एम सनी कपूर। दोस्तों आज मैं फिर बॉलीवुड का एक छोटा सा किस्सा लेकर आया हूँ आपके सामने। मैं आज एक बार फिर बात करूंगा बॉलीवुड के सुपरस्टार मिठुन चक्रवर्ती साहब की। मिठुन चक्रवर्ती पुणे से एक्टिंग का कोर्स करके जब पहली बार मुंबई पर आए, मुंबई की धरती पर उन्होंने कदमरखा ट्रेन से नीचे उतरे, तभी एक कुली ने उनको आवाज दी, अरे हीरो सामान ले चलूं क्या? मिठुन चक्रवर्ती साहब ने उस कुली को तो मना कर दिया, लेकिन वो खुश बहुत हुए कि मुंबई की धरती पर उतरते ही, कदम रखते ही किसी ने उसे हीरो कहा। यहां से मिठुन चक्रवर्ती का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, उन्हें लगा कि अब तो मैं यूं हीरो बन जाऊंगा। लेकिन हुआ इसका पूरा उल्टा। वो जिस प्रोड्यूसर के पास जाते, जिस डायरेक्टर से मिलने जाते, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिठुन चक्रवर्ती को हीरो मानते ही, कोई उन्हें छोटा सा रोल दे देता कि गाने में काम कर लो, या कोई एक आध सीन दे देता, मतलब जूनियर आर्टिस्ट जैसा। मिठुन चक्रवर्ती इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि जब जनता, कुली जैसे आम इंसान मुझे हीरो समझते, मैं दिखने में हीरो लगता हूँ, तो मुझे ये छोटे छोटे जूनियर आर्टिस्ट के रोल क्यों? लेकिन क्या करते, मजबूर थे, खाने को पैसा चाहिए था, पहनने को कपड़े चाहिए थे, रहने को घर का किराया चाहिए था। तो मजबूरी में मिठुन चक्रवर्ती ने कई फिल्मों में छोटे छोटे जूनियर आर्टिस्ट जैसे रोल किए। जैसे मुक्ति पिक्चर में वो संजीव कुमार और शशि कपूर के साथ एक गाने में नजर आए, सिर्फ डांस करते हुए। एक फिल्म में राजेश खन्ना के साथ सिर्फ एक सीन में नजर आए, और दो अनजाने में तो सबको मालूम है अमिताभ बच्चन के साथ सिर्फ दो सीन में। तो इस तरह वो जूनियर आर्टिस्ट का काम करने लगे, पैसे फिर भी नहीं मिल रहे थे, तब वो हेलन के असिस्टेंट बन गए और काम करने लगे। बस जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। लेकिन एक बात है जो मिठुन चक्रवर्ती खटक रही थी और कॉन्फिडेंस भी दे रही थी, वो कुली की आवाज, ए हीरो। उनका मानना था कि यार पब्लिक तो मुझे हीरो समझती है, आज नहीं तो कल मैं हीरो बन ही जाऊंगा। बस इसी कॉन्फिडेंस को लेकर मिठुन चक्रवर्ती वापस कलकत्ता नहीं लौटे, बल्कि संघर्ष करते रहे। और तकरीबन 6-7 साल बाद उन्हें बतौर हीरो मृग्या फिल्म मिली। मृग्या में उन्हें नेशनल अवार्ड मिल गया, वो हीरो बन गए। लेकिन अभी स्टार बनना बाकी था, क्योंकि हीरो बनने के बाद भी उनके पास काम नहीं था। मिठुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर से संघर्ष किया। मेरा रक्षक, सुरक्षा, इस तरह की फिल्में बनी, और वह धीरे 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 इन फिल्मों को करते करते डिस्को डांसर तक पहुंचे, और डिस्को डांसर के बाद वो स्टार बन गए, और आज तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये मिठुन चक्रवर्ती का आत्मविश्वास ही था, उनकी मेहनत ही थी। ये सब मिलके मिठुन चक्रवर्ती स्टार मिठुन चक्रवर्ती बन गए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा बॉलीवुड का किस्सा मिठुन चक्रवर्ती के बारे में। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं हमारे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप उन किस्सों से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।